आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियां करवाने का फैसला। नई हल्काबंदियों के लिए 120 रोज का शेड्यूल जारी। आम इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियां 14 दिसंबर को शाया की जाएंगी। यकम से 4 सितंबर तक हल्काबंदियों की कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पुरानी हल्काबंदियों को फ्रीज कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में फैसला। जड़ांवाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। सानहे की आला सतह की क्यादत के लिए कमीशन कायम होना चाहिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया सोची समझी साजिश है। कौम सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। वाकये में होने वाले नुकसान को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम मज़ाहिब के कायदीन का मुश्तरक इजलास। सानहे जड़ांवाला पर हम सब शर्मिंदा हैं। जोसेफ कॉलोनी वाकये के मुलजिमान को सजा दी जाती तो ये सानहा ना होता। जिन्होंने जड़ांवाला में मुकद्दस किताबों को जलाया उन्होंने हमारा मुकदमा कमजोर कर दिया। पाकिस्तान में अकलियती बरादरी को हर किस्म का तहफ्फुज़ हासिल है। हुकूमत मसीही बरादरी के नुकसान का इजाला करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात से टेलीफोनिक राबता। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात हुसैन की कौमी खदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुल्की और सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भी दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलिगुर रहमान से अमरीकी काउंसिल जनरल की अलविदाई मुलाकात। तालीम तजारत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत है। उम्मीद है कि अमेरिका पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद में इजाफा करेगा। सर्विसेज अस्पताल के क्लर्क की जानिब से रिश्वत लेने का मामला। महकमा सेहत का क्लर्क अरशद बट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। एमएस सर्विसेज अस्पताल ने रिश्वत लेने वाले क्लर्क को मुअत्तल कर दिया। क्लर्क अरशद बट के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अरशद बट की मुअत्तली और पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी। अलहमरा हॉल में कमर्शियल स्टेज ड्रामों पर मुकम्मल पाबंदी आए। तमाम बुकिंग्स भी मंसूख। पाबंदी का फैसला फौहश रक्स और उरियानी फैलाने के बायस किया गया। वजीर इत्तलाआत आमिर मीर ने निगरान वज़ीर आला से मुशावरत के बाद फैसला किया। आमिर मीर कहते हैं कि अलहमरा मॉल रोड को सिर्फ अदबी और सकाफती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कल्चरल कॉम्प्लेक्स के कमर्शियल ड्रामों को भी हदूद व क़यूद पर अमल करना होगा। अवामी और गरीब की सवारी मोटरसाइकिल भी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। मोटरसाइकिल की कीमतों में होशुबा इजाफा। होंडा सी डी 70 की कीमत में 16 माह में 58,000 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत 99,900 से 1,57,900 रुपये पर जा पहुंची। होंडा 125 सीसी 75,000 रुपये महंगी हुई। मैनुफैक्चरर्स का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे और खाफ माल की अदम दस्तियाबी से पैदावार लागत बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी आम आदमी के लिए बस खारी। सस्ती अशिया का हसूल अबाब के सबर का इम्तिहान बन गया। आम सारिफ की सब्सिडी खत्म होने से मुश्किलात में इजाफा। आटा और चीनी की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। गर्म मौसम में सारफीन खार होने लगे। कई घंटे इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। छाँव और पीने के पानी का इंतजाम ना होने का भी शिकवा। चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसान न्याजी की गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ने हसान न्याजी का केस फौजी अदालत में भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक हसान न्याजी के केस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा। केस से मुतालिक तमाम सबूत और शवाहिद भी फौजी अदालत में भिजवा दिए गए। हसान न्याजी अस्करी टावर और जिना हाउस हमले के मुकदमे में नामजद हैं। हसान न्याजी पर कोर कमांडर की यूनिफॉर्म लहराने का इल्ज़ाम है। हसान न्याजी सानहा 9 मई के बाद फरार हो गए थे।
हाई कोर्ट का हसन न्यासी को 18 अगस्त को पेश करने का हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने हफीजुल्ला न्यासी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। आईजी पुलिस समेत दीगर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के केसेस पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाई तलब कर लिए। फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर। सानहे 9 मई में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत। मुलजिम ने कमसिन बेटे ने वकील को फीस के बदले मुर्गा दे दिया। कमसिन बच्चे ने मोहम्मद परवेज और मारिया खान को वकील मुकर्रर कर दिया। वकला ने मुर्गा लेने से इनकार करते हुए केस मुफ्त लड़ने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हाईकोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त। अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। महंगाई से गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं। अदालत से कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा। पुलिस छापे के दौरान शहरी की भैंसें और तलाई जेवरात ले जाने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। असलहा लाइसेंस बनाने और तजदीद से मुतालिक फीसों में इजाफा चैलेंज कर दिया गया। जाती हिफाजत और शिकार के शौक के लिए असलहा लाइसेंस फीस 10 की बजाय 50,000 कर दी गई थी। महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस बनाने और तजदीद का अमल रोक दिया। बहाली तक डीलर असलहा फरोख नहीं कर सकेंगे। CCPO बिलाल सदीक से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। थानों की तजीन और आयश, तामीराती काम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की सूबाई दारुल हुकूमत में थानों की तजीन और आयश में तआवुन की पेशकश। ताजरों ने जराइम के खात्मे में पुलिस के किरदार को भी सराहा। CCPO बिलाल सदीक कमियाना बोले, ताजर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लाहौर पुलिस ताजर बरदरी के जान माल के तहफ़ के लिए पुरअज़्म है। मेट्रो बस के एसी खराब या खुद बंद किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा भी काम न आया। मेट्रो बसों के बंद एसी ना चल सके। वीडा मेजा कंपनी ने मेट्रो बस के एयर कंडीशन बंद कर दिए। मेट्रो बस पर पानी सप्लाई करने वाले 5 ट्यूबवेल पंप भी खराब होने का इंकशाफ। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का पायलट प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करने पर काम जारी है। शहर में इब्तदाई तौर पर 34 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 3,400 मिलियन की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मनसूबे से मुतल्लिक इजलास। SNG PL का सिलेंडर फराहम करने का मंसूबा ठप हो गया। LPG सिलेंडर्स की फरोख्त में 50% तक कमी हो गई। कंपनी की जानिब से मंसूबा शुरू करते वक्त फ्री होम डिलीवरी का ऐलान किया गया था। चंद माह बाद ही होम डिलीवरी के लिए 500 रुपये चार्जेस मुकर्रर कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक फी सिलेंडर 8,000 रुपये, सिक्योरिटी चार्जेस भी वसूल किए गए। जीरो कार्बन और कोहिनूर मैपल लीफ ग्रुप के दरमियान सोलर मुआहदा बिलाल अफजर और सईद सैगल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत 20 मेगावाट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की तंसीब की जाएगी। मंसूबे से 2,87,80,000 किलोवाट बिजली पैदा होगी।